पूरे देश के लिए गौरव का पल है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी का आज पहला उद्बोधन हो रहा है और हमारे संसदीय कार्य में गत 6-7 दशक से जो परंपराएं विकसित हुई हैं उन परंपराओं में देखा गया है कि अगर कोई भी नया सांसद जब पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा होता है तो किसी भी दल का क्यों न हो जो पहली बार बोलता है तो पूरा सदन उनको सम्मानित करता है, उनका आत्मविश्वास बढ़े उस प्रकार से एक सानुकूल वातावरण तैयार करता है। एक उज्जवल और उत्तम परंपरा है। आज राष्ट्रपति जी का उद्बोधन भी पहला उद्बोधन है। सभी सांसदों की तरफ से उमंग, उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो, ये हम सबका दायित्व है। मुझे विश्वास है हम सभी सांसद इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। हमारी देश की वित्त मंत्री भी महिला है। वे कल और एक बजट लेकर के देश के सामने आ रही है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा जो देश को काम आएगा। मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद। तो पहला देश અને એનાથી પર પહેલા દેશવાસીઓના સૂત્ર સાથે બજેટ સત્રની શરૂઆત થશે। વડાપ્રધાનનું એ પહેલા સંબોધન, બજેટ સત્ર પહેલા વિપક્ષના સાથીઓ પણ પોતાની વાત સંસદમાં રજૂ કરશે। વિપક્ષના સાથીઓ પણ પોતાની વાત સંસદમાં રજૂ કરશે, જો કે એ પહેલા સંસદમાં એક દસ્તાવેજ રજૂ કરવામાં આવશે જેને આર્થિક સર્વેક્ષણ કહેવામાં આવે છે। આ સિવાય પીએમએ સંબોધનમાં ખૂબ મહત્વની વાત કહી, ભારત માટે આશાની કિરણ જોવા મળી રહ્યું છે।
तमाम सांसदों माटे उमंग अने उत्साह भरी क्षण छे। आजे राष्ट्रपति